हे गाइस नमस्ते, मैं अनुपमानी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन बिहार में। आज का हमारा टॉपिक है आई पिल, जो कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल है। हम आज जानेंगे कि यह कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसे आप कितना बार यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए सही है, और हमारे पीरियड्स पर इस पिल का क्या असर पड़ता है। चलिए जानते हैं आज हम आई पिल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये पिल काम कैसे करती है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो यह महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन पैदा करती है। यह शरीर में होने वाले फर्टिलाइजेशन को रोकता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ओवरीज में होने वाले अंडे का प्रक्रिया। गर्भाशय के निचले हिस्से से एक फ्लूड टाइप की चीज़ निकलती है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस। ये अंडे की सफ़ेदी जैसा चीज़ होता है, जो कि पिल के वजह से बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनने लगता है। इसकी वजह से स्पर्म वहाँ मौजूद अंडे तक नहीं पहुँच पाता है, साथ ही ये अंडों को ओवरी से जल्दी बाहर निकलने नहीं देता है। अब सवाल यह आता है कि इमरजेंसी पिल क्या हर बार काम करती है? तो जी नहीं, यह इमरजेंसी पिल है यह हर बार काम नहीं करती है, यह 95% तक काम करती है। यह डिपेंड करता है कि अगर आपने बिना कॉन्डम का सेक्स किया है तो इसके बाद आप 72 घंटे के अंदर आप जितनी जल्दी यह पिल लेते हैं इसका असर उतना ही ज़्यादा होता है। अगर 72 घंटे से ज़्यादा हो गया हो तो आप इस पिल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए आप 21 दिन वाली गर्भ निरोधक टैबलेट का यूज़ करें। चलिए अब जानते हैं इस पिल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसका जो सबसे डेंजरस वाला साइड इफ़ेक्ट है वह है एट्रोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब यह होता है अगर आपने टैबलेट लिया है इसके बाद भी अगर अंडा और स्पर्म मिलता है तो वो गर्भाशय में नहीं जाके कहीं और जुड़ जाता है, यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में वो जुड़ जाता है और फिर वहीं उसका विकास होने लगता है, जिसकी वजह से यह होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो बाद में फट जाता है, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये अक्सर उन महिलाओं को होती है जो लगातार इमरजेंसी पिल का उपयोग करती हैं। चलिए अब जानते हैं इसके जो साधारण से साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साधारण से साइड इफ़ेक्ट ये होंगे, जब आप पिल लेंगे तो इसके बाद आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, आपका जो पीरियड है उसमें हैवी ब्लीडिंग होगा, कभी कभी ब्लीडिंग जो है बीच में भी हो सकती है स्पॉटिंग की तरह, और कभी कभी जो है आपकी पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो सकती है या फिर काफ़ी ज़्यादा पहले भी हो सकती है। ये सब जो है इसके नॉर्मल प्रॉब्लम है। सवाल यह आता है कि ये पिल्स खाने के बाद आपके पीरियड्स पर क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहली बात, जब आप ये पिल्स लेती हैं तो यह पिल्स जो है सीधा आपके हार्मोन पे असर डालता है, यानी कि आपकी हार्मोन के साथ छेड़छाड़ होती है। इसके वजह से आपका जो पीरियड है वो अनियमित हो जाता है, या तो आपका पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा पहले आ जाएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट से आएगा, या फिर कभी कभी आपको बीच में स्पॉटिंग भी हो सकती है। आपको लगेगा कि पीरियड फिर से शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बीच में आपकी स्पॉटिंग हो जाएगी इसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका पीरियड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पीरियड जो है 15 दिन लेट आ सकता है, इसकी वजह से आपकी जो पीरियड है वो अनियमित हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका पीरियड टाइम पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर फिर भी आपका पीरियड नहीं आए तो आप घर बैठे प्रेगनेंसी किट से आप अपनी प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं है और पीरियड भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर ले, आपका पीरियड आ जाएगा। अब सवाल यह आता है कि इसे हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल क्यों कहते हैं और इसे महीने में कितने बार यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल है। इसका मतलब यह है कि आप इसे रोज़ गर्भ निरोधक की तरह आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी में ही कर सकते हैं। अगर आप इसका रोज़ उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान पहुँचाता है, आपके शरीर के साथ भी यह खेलता है, साथ में आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी देता है। तो इसका जो है रेगुलर गर्भ निरोधक के रूप में आप इसका उपयोग कभी भी ना करें। इसका उपयोग आप 1-2 महीने पे एक बार कर सकते हैं, 3-4 महीने पे एक बार कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने में एक बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका उपयोग ना करें, यह बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर फिर भी इससे जुड़ी कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के कमेंट्स जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।